खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की जबरदस्ती शादी कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग ने चाइल्ड लाइन को फोन करके शिकायत दर्ज कराई। रात के बाद चाइल्ड लाइन और हरकत में आई बिस्टान पुलिस ने शिकार बेड़ी गांव से रिश्तेदार के यहां से नाबालिग को बरामद किया। नाबालिग बुरहानपुर जिले के रत्नागढ़ गांव की रहने वाली है। नाबालिग के पिता और रिश्तेदार जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। बिस्टान पुलिस और भगवानपुरा चाइल्ड लाइन ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति खरगोन को सौंप दिया है। बाल कल्याण समिति ने जांच शुरू कर दी है। नाबालिग ने कहा, शादी नहीं, अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ। नाबालिग ने परिजनों के पास जाने से इनकार कर दिया है। बाल कल्याण समिति नाबालिग की काउंसलिंग कर रही है। नाबालिग का मेडिकल भी कराया गया है। बाल कल्याण समिति खरगोन की अध्यक्ष अक्षता जोशी ने जानकारी दी है कि किशोरी के किसी युवक से प्रेम प्रसंग है, जिसके कारण उसने चाइल्ड लाइन से हेल्प ली है। इस मामले में परिजन तो सही हैं, उनकी दो और संतानें हैं जो विवाह के योग्य है। यह किशोरी अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी, जिसके कारण इसने अपने परिजनों पर ही बेचने के आरोप मढ़ दिए। खरगोन से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी शादी करवा दी। कौन शादी करवा रहा है? पापा और भैया। ऐसा क्यों कर रहे हो? पढ़ाना नहीं चाहते। तो पैसे वैसे पे बेचने की बात भी चल रही थी? ये तो उनके मन में हो गए, मुझे नहीं कुछ करता। तो आप क्या पढ़ना चाहती हो? हाँ। तुम घर जाना चाहती हो अभी? नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। तो क्या माता पिता और भाई से डर लगने लगा है तुमको? नहीं, मैं हॉस्टल में जाना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ। कहाँ तक पढ़ लिखी हो अभी तुम? अभी एट्थ में जाऊँगी। कहाँ के रहने वाले हो? चुप करवा दे। जिला ब्राह्मणपुर। गाँव का नाम? बुरहानपुर। क्या आपको शंका लग रही थी ऐसी कुछ कि माता पिता ये शादी कर देंगे पैसे लेकर? आपने ऐसी कोई इनकी बातचीत सुनी थी क्या? नहीं, बस इतना बोल रहे थे कि शादी करवा देंगे। हाँ। गांव में ऐसा किसी के साथ हुआ है जिसको लेकर आपको ऐसा लगा? नहीं। या आपने, आपको कैसा ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, इसलिए तो झूठ बोल के लाया। क्या झूठ बोल के लाया? बाबा का धागा करवाना है इसीलिए। कौन सा बाबा? पता नहीं इतना। कहाँ पर ले गए थे बाबा का नाम लेकर? बोले धागा करवा देंगे तुझे भारतीय वाला जी। इतना बड़ा था, मुझे लगा हाँ, मैं दूसरी बुआ के घर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे यहाँ धोखेबाजी से लाया गया। बताया नहीं कि नहीं आ गया। हमारे पास कल 6 बजे के समथिंग केस आया था चाइल्ड लाइन से। बालिका रो रही थी और हमें पता चला कि बालिका बोल रही थी कि आज के आज मेरे कोई मदद करो मेरी, अन्यथा मेरे साथ कुछ घटना घट जाएगी। तो चाइल्ड लाइन सब सेंटर भगवानपुरा की टीम और बिस्टान की पुलिस की टीम के साथ में हमने रात में 8 से 9 बजे के बीच में उस घर पे दबिश दिया था। वहाँ पर हम जाकर हम देखे थे तो बच्ची को परिजन लोग वहाँ से भी लेके कहीं और जा रहे थे, लेकिन बच्ची ने हमारी टीम इतनी थी कि हम बच्ची को वहाँ पर पकड़ लिए और बच्ची को लेकर वापस आए। लेकिन जब बच्ची से हमने बात की तो बच्ची ने बताया कि मेरे को इलाज के बहाने से लेके आए थे बुरहानपुर के पास गांव है रत्नागढ़, वहां से, और उसके मामा और उसके पापा वो पंधाना गांव तक लाए और वहां से लाने के बाद में किसी और रिश्तेदार के हाथों में सौंप दिया गया। वहां से बच्ची ने बताया था कि मेरे को दूसरे गाँव में घुमाते घुमाते लाए यहाँ पर, और यहाँ पे लाए और उसके बाद में बोले कि यहाँ इसकी शादी कर देंगे, इसको यहाँ दे देंगे। और बालिका बता रही थी कि उधर पे दहेज कम मिलता है, इधर ज़्यादा मिलता है, बोले इसलिए मेरे को यहाँ पे लाए थे और घर वाले बोल रहे थे कि शादी कर देंगे। ठीक है, देखिए कंक्लूजन यही निकला है कि बच्ची से फर्स्ट काउंसलिंग में सारी बातें सामने नहीं आई, 2-3 काउंसलिंग की हुई है उसकी बच्ची की। महिला बाल विकास से भी काउंसलर ने बच्ची की काउंसलिंग की है, बाल कल्याण समिति द्वारा भी की गई है, और बच्ची ने पूर्व में जो बताया है वो सारी बातें सत्य नहीं है। बच्ची ने पूर्व में घर से कुछ और बताया है, तो बेचने की बात की है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। परिवार वाले भी उसके आए थे, तो परिवार वालों की भी काउंसलिंग की गई, उसमें सिर्फ बच्ची का ये कहना है कि उसे घर पर नहीं रहना, आगे पढ़ाई करना है और किसी हॉस्टल में उसका एडमिशन करवाया जाए। और बच्ची से पूछा गया कि उन्हें कहीं बेचने की बात की है या कहीं शादी करने की बात की है, तो बच्ची ने एक सिरे से उसे खारिज कर दिया। बच्ची ने कहा कि ऐसे कोई बात नहीं, और परिवार से वो अलग रहना चाहती, परिवार में नहीं रहना चाह रही, किसी हॉस्टल में स्कूल में पढ़ना चाह रही। तो उसे बाल कल्याण समिति बुरहानपुर भेजा गया है, वहाँ की समिति का जो निर्णय रहेगा वो सब कर लेगा। रात में चाइल्ड लाइन को उसने फ़ोन कॉल किया था हेल्पलाइन के लिए कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मेरे माता पिता बेच रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं जबरदस्ती, कहीं बाहर शादी।